अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा फिजिक्स का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आपके न्यूमेरिकल 1.6 से लेकर 1.10 तक जो हैं वो समझाए जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मजीद आपको पूरे चैप्टर में किसी किस्म की कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मजीद बर वक्त आपके सवाल का मकबूल जवाब दिया जाएगा, और जहां पर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आएगा इंशाल्लाह मजीद वहां पर आपको उसका मज़ीद आसान सलूशन भी बताया जाएगा, ज़्यादा आसान करने की कोशिश की जाएगी। आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को हमारी इस काविश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों अपने मेम्बर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। आपकी ये काविश हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा होगी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस काविश में हमारा भरपूर साथ देंगे। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम लोग अपने अगले लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर के इख्तिताम पर आप अपने फीडबैक अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें कि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपकी किसी किस्म की राय किसी किस्म का मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपके साथ हम लोग इसी तरह वक्तन फवक्तन और सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी शेयर करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फिजिक्स 9th क्लास की के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.6 से 1.10 तक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमारा क्वेश्चन है जी 1.6, ऑन क्लोजिंग द जार ऑफ अ वर्नियर कैलिपर 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट मेन स्केल सच दैट 4th डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद 1 ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, फाइंड इट्स 0 एरर एंड 0 करेक्शन। उसने कहा है जी कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसका वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से राइट साइड पर है, और मेन स्केल के 0 के साथ मेन स्केल के साथ 4th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, वर्नियर स्केल की 0 एरर और 0 करेक्शन को फाइंड करें। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल वो है जी 4th। हम लोग जानते हैं लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब 0 एरर हम लोग देखते हैं जी, 0 एरर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 0 एरर। ठीक है, अब कंडीशन उन्होंने क्या बताई है यहाँ पर, एक कंडीशन जो कि डिस्क्राइब की गई हुई है कि वर्नियर स्केल ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। ठीक है जी, वर्नियर स्केल क्या है यहाँ पर, मेन स्केल के राइट साइड पर है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे एज 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट द राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ द
ज़ीरो ऑफ मेन स्केल सो द ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू थी 0.04, तो सेम इसी तरह से ज़ीरो करेक्शन की 0.04 ही आएगी, लेकिन ये उलट हो जाएगी। ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव में आती है, और अगर ये नेगेटिव में हो तो ये पॉजिटिव में आती है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। 1.7 की बात करते हैं। अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ डिवीजन्स के बारे में वो बात कर रहा है, मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। 50 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स हैं जी, ठीक है, सर्कुलर स्केल पर। पिच की बात कर रहा है वो कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm, पिच PITCH, पिच इज इक्वल टू 0.5 mm की ये पिच है, ठीक है। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आपने कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान में रखें स्टूडेंट्स के पिच का मतलब होता है जब एक सर्कुलर स्केल पर स्क्रू गेज के मेन स्केल पर सर्कुलर स्केल घूमता है तो एक चक्कर रोटेट करने पर वो जितना आगे या पीछे मूव करेगा वो उसकी पिच कहलाएगी, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, फ़र्ज़ किया कि ये मार्कर इस पॉइंट से, ये निशान नज़र आ रहा होगा इस पॉइंट पर है, ठीक है जी। अब मैं इसको एक चक्कर घुमाता हूँ, सॉरी ये ढक्कन इसका यहाँ से है ये वाला, ठीक है। मैं इसको एक चक्कर घुमाता हूँ, पूरा ये घुमाने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ तो वो अगर नट की तरह है तो ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेगा, जितना ये नट आगे या पीछे की तरफ मूव करेगा ये इसकी पिच कहलाता है। तो इसकी पिच 0.5 mm है। तो लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा इजी सा है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू कितनी है जी, 0.5 mm, ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन है 50, ठीक है जी। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर तो इसका आंसर आ जाता है 0.01 मिलीमीटर, और अगर हमने सेंटीमीटर में निकालना है तो हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 डिवीजन का डिफरेंस होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। 1.8 पर हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ले जी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखती है। तो पहली वैल्यू हम लोग लिखेंगे, हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो 3 वाली वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर गौर करते हैं जी कि इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले रूल्स को रिमाइंड करते हैं कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 नॉन ज़ीरो हैं, सेंटर में ज़ीरो आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4 and 5, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये 5 हो जाएंगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में करते हैं जी 0.00309। अब 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान जो ज़ीरो आए वो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन जो शुरू में आएंगे, हमने बोला था लेफ्ट साइड पर जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, तो हमारे नंबर से सिर्फ ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट पे बात करते हैं जी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 1, 2, 3, बाकी ये नॉन ज़ीरो पीछे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर होंगे। आगे आ जाते हैं जी हमारे सी पार्ट की तरफ, तो सी पार्ट में है 5.05 × 10⁻²⁷ kg। अब गौर करें बेटा, यहाँ पर −27 का मतलब है कि 5 से पीछे की तरफ मूव करना है, ये पॉइंट इस जगह से, इस पॉइंट से 27 स्टेप्स पीछे को मूव करेगा, तो पीछे जो चूँकि नंबर नहीं है
लिहाजा ज़ीरो लगेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि शुरू वाले ज़ीरोज़ वैसे ही नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उनको जितने मर्जी लगी जाए वो हम काउंट नहीं करेंगे। ये काउंट करेंगे ज़ीरो दो वैल्यूज़ के दरमियान में है, तो ये भी काउंट होगा। तो वन टू थ्री, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर थ्री आ जाएंगे। एंड द लास्ट वन, लास्ट वन क्या है जी हमारे पास, 2001 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में दो ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये भी काउंट होंगे। वन टू थ्री एंड फोर, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे जी, फोर आ जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बात यहाँ पर ना पता लग रही हो तो मैं हाज़िर हूँ, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। 1.9 है हमारा, इसमें उसने ए का सेम पीछे की तरह ही है, लेकिन इसमें सब की वैल्यूज आपने बतानी है, तो ऑब्वियसली पीछे वाले सवाल की तरह ही हम इसको काउंट कर लेते हैं जी। 1.009, तो 1, 2, 3, 4, ये फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगला क्वेश्चन है जी इसका, 0.00450, ठीक है जी। आगे इसके यूनिट में लगा हुआ है के जी, ठीक है जी। क्या लगा हुआ है जी, के जी। तो हम लोग जानते हैं कि ये शुरू वाले नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड वाला और बिटवीन वाला सिग्निफिकेंट होता है, तो 4, 5 इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी हम लोग सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट है जी 1.66 × 10⁻²⁷ यूनिट है जी के जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली −27 का मतलब है ये पॉइंट यहाँ से 27 स्टेप्स पीछे की तरफ मूव करेगा, तो जितने भी पीछे फिर लगेंगे वो सारे ज़ीरो लगेंगे, ठीक है। तो हमारे पास नॉन ज़ीरो जो है वो 1.66, 1.66, ये 3 है, तो आंसर इसका 3 बन जाएगा। डी वैल्यू पे क्या आ जाता है जी, डी वैल्यू अगेन यहाँ पर भी 2001 आता है, 2001 सेकंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी 1.10, उसने कहा है जी अ चॉकलेट रैपर हैव अ लेंथ ऑफ 6.7 सेंटीमीटर। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग कितना है जी, 6.7 सेंटीमीटर। और वाइड कितना बता दिया जी, एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। वाइड कितना बता दिया जी, 5.4 सेंटीमीटर आपने इसका वाइड बता दिया है, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि जी कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एरिया आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल, पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, फिर उसके बाद अप टू रीजनेबल नंबर आंसर निकाल देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 6.7 इंटू, और विड्थ की वैल्यू है जी 5.4। जब हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 36.18 आपका इसका आंसर आएगा। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर प्लस हो जाती हैं इसकी, +1 +1, तो सेंटीमीटर स्क्वायर +2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि जी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने रीजनेबल नंबर में आपने आंसर देना है। तो रीजनेबल कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो फ्लोटिंग पॉइंट से पहले पाए जाते हैं वो रीजनेबल नंबर होते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा रीजनेबल नंबर में, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है जी स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। आपको इस चैप्टर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मसला मसाइल हो, आप कमेंट्स में अपने सवालात छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह नज़ीर माकूल वक्त में आपको उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी हो रही हो हमसे क्वेश्चन करने में, तो मल्टीपल सोर्सेज में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप अपना नाम, रेफरेंस और अपना क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उल्लज़ीज़ बर वक्त आपको उसका जवाब भी दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सेंचुरियन एजुकेशनल स्कूल सिस्टम एंड एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारी वर्किंग से मुस्तफीद हो सकें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आने वाले कई लेक्चर्स के दौरान आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से सवालात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से सवालात का जवाब कितना आपने देना है, ठीक है जी, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि सवाल की वेटेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक हमारी और आपकी इस एफर्ट में ज़रूर बरकत डालेगा। अल्लाह हाफिज़।